भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधपुर में एएसपी दुर्ग सिंह राजपूत के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पेंशन दिलाने के एवज में स्थानीय निकाय के डबल ए ओ दिनेश कुमार सोनी द्वारा मांगी गई 5,000 रुपए की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार करने के साथ में यह भी परते खोली है कि 2,000 की राशि वह पहले ले चुका है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से खातों को खंगालने के साथ साथ कॉल डिटेल के अलावा घर की तलाशी भी ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरीके से पूरे राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी के चलते ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एनएम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई चल रही है। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां जोधपुर संभाग में की जा रही हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी हर मछली तक ब्यूरो की टीमें पहुंच रही है और बार बार अपील भी की जा रही है कि यदि किसी भी व्यक्ति से सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं तो उसकी शिकायत ब्यूरो को कीजिए और ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट मामलों से जुड़े उनको सलाखों के पीछे भेजिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सूरसर उप तहसील के नए कार्यालय का आज उद्घाटन विधायक गिरधारी मैया ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक गिरधारी मैया ने कहा कि उप तहसील खुलने से आसपास के गांवों को फायदा मिलेगा, ग्रामीणों को परेशानी कम होगी। लेकिन इसी दौरान बीकानेर में प्रदर्शन भी दिखाई दिया। करीब 24 गांवों के ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता केसाराम गोदारा की अगुवाई में ग्रामीण बीकानेर पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना था कि दूरी अधिक है, आवागमन के साधन नहीं है, इसलिए श्री डूंगरगढ़ के जिन 24 गांवों को सूरसर उप तहसील में जोड़ा गया है उन्हें ना जोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में उप तहसील के निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। दोनों गुट के अपने अपने पक्ष हैं। 24 गांवों का हवाला दिया जा रहा है पूर्व विधायक की तरफ से और कहा जा रहा है कि ग्रामीण परेशान होंगे। तो वहीं इस मसले पर गिरधारी मैया विधायक का कहना है कि उनके लिए तो पूरा डूंगरगढ़ एक गांव की तरह है और ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे राजस्व कार्यों में आसानी होगी। कोटा शहर में विद्युत वितरण की व्यवस्था संभाल रही कोलकाता की निजी बिजली कंपनी सीईएससी और इसकी कोटा ब्रांच के ईडीएल के खिलाफ कोटा के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज कोटा शहर के खेड़ी फाटक इलाके में कंपनी कार्यालय पर स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ऑफिस से कंपनी कर्मचारियों को बाहर निकालकर कंपनी के गेट्स पर तालाबंदी कर दी। इस दौरान स्थानीय पार्षद शीतल मीणा के साथ कांग्रेस के कई पार्षद भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि केडीएल कंपनी के लोगों ने स्थानीय लोगों के घरों में जाकर के कई घरों से बिजली के कनेक्शन काट दिए और वहां से मीटर हटा करके और उनको कंपनी कार्यालय में लेकर आ गए। हालांकि बाद में हंगामा बढ़ता देखकर तुरंत कंपनी की टीम बैकफुट पर भी आ गई और कंपनी के लोगों ने एक बार फिर से उन्हीं घरों में मीटर लगाना मंजूर भी कर लिया। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अगर वास्तव में वहां पर बिजली चोरी हो रही थी जहां पर जाकर केडीएल की टीम ने मीटर हटाने का काम किया तो फिर बाद में कंपनी बैकफुट पर क्यों आ गई। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने इस बात का भी आरोप लगाया कि कोटा में जब तब करंट से मौतें हो रही है, घोषित और अघोषित बिजली कटौती हो रही है और साथ में सर्विस प्रोवाइडिंग के मामले में भी केडीएल का रिकॉर्ड बेहद लचर है और इन सब बातों को लेकर के केडीएल के खिलाफ कोटा के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाद में डिप्टी एसपी संजय सिंह चापावत और नयापुर एसएचओ भूपेंद्र सिंह जापता लेकर मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे समझाइश करके मामले को शांत कराया।